ट्रेड प्रोटेक्शन की ट्रीटियां, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और रेगुलेशन के कंप्लायंस से जुड़े हुए मुद्दे और कॉन्ट्रैक्ट एंड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पर एक कॉमन रुख लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। बहुत सारा काम हुआ है, मगर आज भी मैं आपको बता सकता हूं कि कई ऐसे मुद्दे हैं जहां पर क्राइम के लिए हमें काम करना पड़ेगा। और मैं ऐसा मानता हूं कि जियोग्राफिकल बॉर्डर ये मर्यादा नहीं होनी चाहिए, कानून के लिए जियोग्राफिकल बॉर्डर मीटिंग पॉइंट होना चाहिए और वो मीटिंग पॉइंट तय करने का काम इस जैसी कॉन्फ्रेंसों ने करना पड़ेगा, तभी जाकर सब कानून एक दूसरे को रेसिप्रोकेट करेंगे और हम जस्टिस की डिलीवरी कर पाएंगे। आज के टेक्नोलॉजी के दौर में जस्टिस डिलीवरी की जो कल्पना है, इसमें कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन को भी हमने मूल मंत्र बनाना पड़ेगा। आज के ग्लोबल क्राइम चैलेंजेस जब सीमाओं का सम्मान नहीं करते हैं, जस्टिस डिलीवरी में भी हमने सीमाओं को एंड की तरह नहीं बल्कि मींस की तरह देखना होगा और जस्टिस डिलीवरी में सीमाओं को बाधा नहीं मीटिंग पॉइंट के रूप में डेवलप करना होगा। और ये स्पिरिट को अगर हमें नीचे तक पहुंचाना है तो मैं मानता हूं अभी बहुत सारा काम करना बाकी है और इस पर सभी कॉमनवेल्थ कंपनियों ने कंट्रियों ने साथ में काम करने की जरूरत है। भारत ने इस क्षेत्र में ढेर सारा काम किया है, ट्रेड डिस्प्यूट्स के लिए और क्रिमिनल लॉ के कंप्लीट रिफॉर्म के लिए हमने बहुत लंबी चर्चाओं के बाद एक्सरसाइज कर सभी स्टेक होल्डर्स के साथ चर्चा कर भारत में इसका क्लेवर भी बदला है और इसका स्वरूप भी बदला है। और टेक्नोलॉजी का उपयोग हमने हर जगह पे इतना बढ़ाया है, सिर्फ अभी की उपलब्ध टेक्नोलॉजी नहीं, इनकी डेफिनेशन में हमने आने वाले 100 साल तक जितनी भी टेक्नोलॉजी में बदलाव आएंगे उसको डेफिनेशन में समावेश करने का भी हमने ढेर सारा काम किया है। मैं मानता हूं कि कॉमनवेल्थ कंट्रीज के लिए ये बहुत उपयोगी होगा कि हमारे यहाँ जो परिवर्तन हुआ है वो मैं मानता हूं आपके देश के अंदर भी बहुत सहायक होगा। आज जिस तरह से परिदृश्य बदल रहा है, मैं मानता हूं कि न्यायपालिका को भी बदलना पड़ेगा। क्रॉस बॉर्डर चैलेंजेस के मद्देनजर टेक्नोलॉजी का जो उपयोग है इसको न्याय की पूरी प्रक्रिया में एडॉप्ट करना पड़ेगा। हम 19वीं सदी के कानून से 21वीं सदी में जस्टिस डिलीवरी नहीं कर सकते। और अब ये जो तीन कानून जिसका जिक्र सॉलिसिटर जनरल और लॉ मिनिस्टर ने किया, मैं कहना चाहूंगा कि ये तीन कानूनों के कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन के बाद भारत की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम विश्व की सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बनेगी, इसमें किसी को शंका रखने की जरूरत नहीं। हमारी न्यायिक व्यवस्था में AI आधारित ट्रांसलेशन व्यवस्था से बहुत सारा हमें फायदा हो सकता है और लीगल सिस्टम और केस की बारीकियां समझने में AI का बहुत बड़ा उपयोग अब हम कर सकते हैं। कम्युनिकेशन और डॉक्यूमेंट एक्सचेंज का प्रोसेस भी बहुत स्मूथ हुआ है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से क्रॉस बॉर्डर एविडेंस और भी ज्यादा अब सिक्योर हो जाएगा, इसका मुझे भरोसा है। परंतु दुनिया के सभी देशों ने ये सारी टेक्नोलॉजी को कानूनी जगह भी देनी पड़ेगी और कानून में इसकी डेफिनेशन को भी जगह देनी पड़ेगी। भारत ने ऑलमोस्ट ये काम कर लिया है। आज के समय में जस्टिस की पूरी सिस्टम में 3A यानी एक्सेसिबल, अफोर्डेबल और अकाउंटेबल, ये बनाना बहुत जरूरी है और ये तीनों के लिए मैक्सिमम उपयोग हमने टेक्नोलॉजी का करना चाहिए, इसका मेरा मानना है इससे बहुत सरलता होगी। मित्रों, जो नए कानून क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के तीन कानून हम लेकर आए हैं उसमें हमने टेक्नोलॉजी को भी स्थान दिया है और इसके साथ साथ FSL को भी स्थान दिया है। एविडेंस बेस्ड प्रोसिक्यूशन को बढ़ावा देने के लिए हमने
सात साल और उससे ज्यादा जितनी भी धाराओं में सजा का प्रोविजन है, सब में एफएसएल के ऑफिसर का, साइंटिफिक ऑफिसर का विजिट कंपलसरी किया है। और मैं आपको बता देता हूं कि कानून आने से पहले इसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन राइट और ह्यूमन रिसोर्स जनरेशन का काम भी एफएसएल यूनिवर्सिटी बनाकर हम समाप्त कर चुके हैं। जैसे ही कानून इंप्लीमेंट होंगे पूरे देश के अंदर ये व्यवस्था दूसरे ही दिन से हम आगे ले जा पाएंगे। मित्रों, आज एफएसएल यूनिवर्सिटी ने हर साल 35,000 साइंटिफिक ऑफिसर बाहर आएंगे, इस प्रकार की व्यवस्था हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसके पहले भारत के अंदर इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICJS के माध्यम से हमने देश के सारे पुलिस स्टेशनों को एक ही सॉफ्टवेयर से अपनी अपनी भाषा में ऑनलाइन काम कर सके, इस प्रकार का ऑनलाइन जुड़ाव कर चुका है। ई पुलिस के माध्यम से लगभग 8 करोड़ से ज्यादा लेगेसी डेटा को हम स्टोर कर चुके हैं। ई कोर्ट में 15 करोड़ से ज्यादा लोअर जुडिशरी के डेटा को ऑनलाइन कर चुके हैं। ई प्रिजन से 2.5 करोड़ से ज्यादा कैदियों का डेटा अब ऑनलाइन हो चुका है। ई प्रोसिक्यूशन से 1 करोड़ से ज्यादा प्रोसिक्यूशन का डेटा, लेगेसी डेटा की मैं बात करता हूँ, नया तो अब ऐसे ही जनरेट होगा, वो ऑनलाइन हो चुका है। और ई फॉरेंसिक से माध्यम से 35 लाख से ज्यादा फॉरेंसिक का डेटा भी ऑनलाइन हो चुका है। ये सभी 5 पिलर्स, पुलिस, कोर्ट, प्रिजन, प्रोसिक्यूशन और फॉरेंसिक, ये सभी 5 पिलर्स के लिए इंटर पिलर इंटीग्रेशन के लिए भी AI का उपयोग करते हुए सॉफ्टवेयर एक साथ बन रहे हैं। और ये 5ों का डेटा एक दूसरे के साथ बात करे ऐसी ही भाषा में पहले से ही बनाने का काम हुआ है, जिससे जब AI के उपयोग से सॉफ्टवेयर बन जाएंगे तब ये सारा डेटा एक दूसरे के साथ बात कर ढेर सारी चीजों को सरल कर देगा, इसका मुझे विश्वास है। और मैं आज ये कॉन्फ्रेंस के अंदर हमारे देश के भी काफी लॉयर आए हैं, काफी बनने वाले लॉयर भी यहाँ पर उपस्थित है, मैं सबको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ये तीनों कानून का कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद किसी भी FIR को हाईकोर्ट तक 3 साल में न्याय मिल जाएगा, इतना हमने सुनिश्चित कर दिया। मित्रों, आज हम सब जब यहां उपस्थित है तब मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में यहां पर जो भी विचार मंथन हुआ है वो विचार मंथन एक्शनेबल पॉइंट में कन्वर्ट हो और वो एक्शनेबल पॉइंट लॉ मेकिंग एजेंसी तक जाए और लॉ में सार्थक परिवर्तन कर आने वाले दिनों में दुनिया में ट्रेड और क्राइम कंट्रोल दोनों को टेक्नोलॉजी के उपयोग से हम कर पाए, ये विश्व की जरूरियात है, कॉमनवेल्थ कंट्रीज की भी जरूरियात है और भारत की भी जरूरियात है। क्योंकि कोई देश अब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए कानूनों के बगैर अपने देश को सुरक्षित नहीं रख सकता, इस वास्तविकता को हमने समझना भी पड़ेगा और इसको स्वीकारना भी पड़ेगा। मुझे लगता है कि आज की कॉन्फ्रेंस इस दिशा में बहुत फ्रूटफुल होगी और आने वाले दिनों में कॉन्फ्रेंस के सुफल पूरे कॉमनवेल्थ कंट्रीज में हम देख पाएंगे। मैं आप सभी को बहुत बहुत अनंत शुभकामनाएं देकर मेरी बात की समाप्ति करता हूं। वंदे मातरम। May I now request the Honourable President of India, Srimati Draupadi Murmu, to please address the august gathering.